देवने श्रृंगारा दियार मंदिरा मार्जने करे ननी जुका अनुगत जने बंद से गुरु चरण कमला सर्वचो चल जा पेयर समय प्रसाद अन्न कृष्ण अति साधु है भक्त आस्वादनी निज तृप्त रहे बंद से गुरु चरण कमला श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला आस्वादनी लुब्ध चितजिनी अन प्रतिक्षणी बंद से गुरु चरण कमल प्रज जो द्वंद रति संवर्धने दुखि करे सकी सन वृंदावनी अति दक्षताए प्रियतम गने बंद से गुरु चरण कमल सर्वता से आए श्री हरि स्वरूप भक्त गणे सैयानुरूप किंतु जी प्रभु प्रियतम रूप बंद से जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाई जहर प्रसाद अन्य गति त्रिसंध्या कीर्तिरा तब जाने भाई बंद से गुरु चरण कमला गुरुदेवाशक अति रत्न करी ब्रह्मे मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन साक्षात श्री हरि सेवा भाई श्री वसुदेवी संस्कृत में तो है लेकिन ये बंगला में भी है। ये इसी कीर्तन में गुरु जी की महिमा बताए हैं, गुरु जी की महिमा बताए। गुरुदेव कौन है और इसी जगत में गुरुदेव आते हैं क्यों हैं? आते हैं बोले गुरुदेव और कोई नहीं, भगवान की जो कृपा जो आशीर्वाद है वो एक मूर्ति रूप धारण किया, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। अगर बच्चे खुश हैं ना पिता माता भी खुश रहते, अगर बच्चे अगर दुखी हो तो पिता माता खुश नहीं रहते। पिता माता भी कब खुश रहते हैं, अगर बच्चे का खुशहाल देखते हैं तो पिता माता भी खुश रहते हैं, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे हैं। अगर बच्चे अगर दुख पा रहे तो पिता माता दुखी होते हैं, मेरे बच्चा सुखी नहीं, मेरे बच्चा दुखी। हमारी हम भगवान के बच्चे हैं और हम संसार में तरह तरह का दुख कष्ट पा रहे हैं, इसलिए ये दुख कष्ट को देख करके भगवान देखे मेरे बच्चे सब दुख पा रहे हैं, इसलिए भगवान क्या करते हैं उनका जो कृपा को ही उन्होंने मूर्ति दिया। कौन है बोले गुरुदेव, कहते उनका कृपा ही है एक मूर्ति रूप में श्री संसार में आए। संसार रूपी जो दावा न लगे जो दुखा दाढ़ी और फिर मोच देखते हो कभी नहीं है उनके, नहीं क्यों भगवान। और उनका जितने सखा है जितने सखियाँ देखो सब कितने उम्र के 11, 12, 13 साल ज़्यादा नहीं, उनको सखा लोग भी इसी उम्र से ज़्यादा कोई वहाँ नहीं होते। ये आत्मा की ये असली ये धर्म भगवान नहीं बोलते हर समय, गुरु जी क्या कहते हैं खुद भगवान का नाम रूप गुण लीला खुद करेंगे। उनको जो आए हुए उनको पास में उनको बोले क्या करो भगवान का नाम जप करो। गुरु जी क्या दिया, माला दिया है ना, किसकी माला दी, ठाकुर जी भगवान का माला जप करो ठाकुर जी का, उनका आशीर्वाद से हम संसार में सुख शांति उनका आशीर्वाद से रहेगी। इसलिए गुरु जी कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलेंगे, और जितने भगवान बोल रहे थे ना सब जेल बंद रख सकते, जितने सब जितने अपने आप को भगवान बोल रहे थे सारे सब जेल में बंद, क्यों सब गलत रास्ता खुद गलत रास्ता में जा रहे थे और दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहे थे, इसलिए भगवान जेल में ठोस दिया।
हमारे उड़ीसा में भी एक भगवान निकला था। हाँ, वो तो जादू टोना सीख गया, ऐसे हाथ करेगा तो हाथ से शहद टपक गया, तुलसी टपक गया है, मतलब जादू टोना कर दिया। वहाँ के लोग तो उसको ही लकट में पहनना शुरू कर दिया है, और उसको ही भगवान रूप में पूजा करना शुरू कर, भगवान है। लेकिन अभी ऐसे भगवान फंसा दिया ठाकुर ने, जेल में बंद है। जैसे हमारे इधर भी कुछ लोग ऐसे भगवान भगवान बोलते थे हैं, अभी वो भी सब जेल में बंद है। इसलिए कभी गुरु जी का लक्षण ये नहीं है। जैसे नारद जी प्रहलाद को क्या बोले, ध्रुव जी को क्या बोले, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम लो। बोले नहीं, भगवान का नाम है वो नम भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को ये मंत्र दिया। वाल्मीकि को नारद जी क्या बोले, बोले राम बोलो। क्या बोलो? राम, राम का नाम। वो भगवान की भक्ति का तरफ में गुरु जी बढ़ाते हैं। इसलिए और क्या करते हैं, भगवान की प्रसाद बगैर और कोई चीज़ को ग्रहण नहीं करते। चर्ब चुचल पेय रसमय प्रसादान कृष्ण अति स्वादु है, भक्त आस्वादन निजे तृप्त रहे बंदे से गुरु चरण। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, भगवान के प्रसाद जो कुछ खाते हैं भगवान को भोग लगा करके भगवान की प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को खिलाते हैं, भगवान को खिला करके खुश रहते हैं। क्या करते हैं, भगवान को सबसे पहले उनको खिला करके ही गुरुदेव खुश रहते हैं। और गुरुदेव करते हैं क्या, बोले राधा रानी का जो निकुंज सेवा है उसमें हर समय उनको सेवा में लग्न रहते हैं ठाकुर गुरुदेव। इसलिए ऐसे अगर कोई गुरुदेव हो उसको क्या समझनी चाहिए, जितने भी गुरुदेव बोलेंगे नहीं मैं भगवान हूँ, लेकिन भक्त लोग उनको क्या समझते हैं, नहीं ये भगवान का कृपा पात्र, गुरु जी की भगवान की कृपा ही हमारे पास में ये गुरु जी रूप में आए हैं। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है गुरु जी को भगवत बुद्धि में दर्शन करें। लेकिन गुरु का कर्तव्य नहीं अपने आप को भगवान मान लें, अपने आप को भगवान मान लें, गुरुदेव कभी नहीं मानते हैं। इसलिए कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाऊँ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, हमें गोविंद के सेवा में लगा देते। इसलिए इसमें कहते हैं जिनकी कृपा से ही भगवत कृपा है, और जिनके कृपा नहीं होगा तो भले ही जो कुछ कर लो भगवत कृपा नहीं हो सकती, उनकी कृपा से ही भगवान हमारे ऊपर में कृपा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो भी जो भजन गाए ना उसमें सब यही सब बात उसमें बता रहे थे। अभी जो हम भजन गाएंगे, हमारी ये भक्ति शुरुआत कहाँ से हुई, ये भक्ति सबसे पहले किसने ये भक्ति दिया, बोले भगवान, भगवान ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी, नारद जी व्यास, ऐसे करते 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 ये भक्ति जगत में आया। इसलिए हम सबके सब उनका ऋणी हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भगवान की भक्ति क्या है ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हम क्या करते रोज़ रोज़ ये सारे संतों को, गुरु जी को, उनका गुरु जी को, उनको गुरु जी को, उनको गुरु जी को, हम पूरा ये गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुम लोगों का आशीर्वाद से जैसे इसी जगत में बच्चे आए कहाँ से, पिता माता का आशीर्वाद से आए ना। अगर तुम्हारी पिता माता नहीं होते तुम कहाँ से आते, आते तुम नहीं आते। अगर उनको अगर पिता माता नहीं होता आप कहाँ से आते, आप नहीं आते। इसलिए हम जैसे पिता माता की सेवा करते हैं, उनका आदर जत्न करते हैं, उसी तरह हम जो भक्ति हमें जो मिला है गुरु जी की कृपा से, गुरु जी को उनको गुरु जी की कृपा से, उनको गुरु जी, उनको गुरु जी, और लास्ट में चलते चलते कहाँ जाता है, ठाकुर जी के पास। सबसे पहले ये धारा आई कहाँ से, भगवान से ये धारा धीरे 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 धीरे। इसलिए हम रोज़ रोज़ क्या करते हैं, उनको नाम को ले लेकर के हम प्रणाम करते हैं, आप लोग सब हमारे ऊपर में आशीर्वाद करो हैं। और जब हम संतों का नाम लेते हैं, जो संत वो नित्य है, हर समय सर्वत्र विद्यमान, जो साधारण नहीं, व्यास नारद पराशर, जब जब उनका नाम लो वो स्वयं प्रकट हो जाए हैं, वो हमारे जैसे नहीं, वो नित्य महापुरुष है, भगवान की नित्य परिकर। इसलिए और उसको बाद में जो कीर्तन करते हैं, वृंदावन वासी जत वैष्णव, जितने वृंदावन नवद्वीप जगन्नाथपुरी में जितने संत हैं, सारे संतों का नाम को ले लेकर हम प्रणाम करते हैं। आप लोग हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करो, कृपा करो, क्योंकि तुम लोगों को कृपा से ही हमें ये भक्ति मिलेगी, तुम लोगों का कृपा के बगैर भक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए हम सबके सब साधुओं को, गुरु परंपरा को सबके सब हम प्रणाम करते। इसलिए रोज़ रोज आप लोग भी घर में सब कीर्तन रोज रोज़ रोज़ कीर्तन करना, ठीक है।
बोले कृष्णा हरि ते चातुर्मुखा हरि कृष्ण सेवन Deep of my seat.
गौरांगे रागाना उर्धा बाहु करी बंदा सवार चरण आया छे नहिना प्रभुर जत दास सवार चरण बंद दंते करी दास ब्रह्म वेद पुराणी गुण गाय देवा महाप्रभु गण सब पति कपावा कम बुद्धि जोते मुनि तथा मुखे रज मन रोलामी मोहन करण सर्ववंश जगते दुर्लभन पूर्ण चिरावी नंदन जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरियाद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वेदया करी सपर्षद सिय धाम सहावतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान सिखाए शरणागति भकतेर प्राण आत्मनिवेदन भक्ति वरण अवसर केवन वृक्षण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव सजनांगिकार षडंग शरणागति अइबे जहार तहर प्रार्थना सिने दकुमार उपसन्नतन पद त्रिण करी भक्ति विनोद पढ़े पद धरी कंदिया कंदिया बोले अमित धाम सिखाए शरणागति करहे उत्तम जय गौर हरि सपार्षद जय गौर हरि जय सपार्षद जय गौर हरि सपार्षद जय गौर हरि हाँ गाओ जगन्नाथ अष्ट गाओ तो इसको उधर घुमा दो नहीं मेरे को मत लगाओ उसको उसको हटा दो उसको हटा दो महीना का नाम श्री पुरुषोत्तम 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 कौन है तो श्री जगन्नाथ पुरी को श्री पुरुषोत्तम जो पुरुष है कारण दशाई विष्णु गर्भ दशाई विष्णु फिर दशाई वस्मिन को
तीन पुरुष बताए गए, मतलब कि भगवान में भी जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, इसलिए ये भगवान से कृष्ण से ही ये जितने सारे अवतार आता है, इसलिए कृष्ण कहते ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान मधर्मस्य तदात्मान सुजामि। इसलिए कृष्ण खुद कहते अर्जुन जब जब इस जगत में धर्म का हानि होने लग जाती है, गो ब्राह्मण पृथ्वी संत इनको ऊपर में अत्याचार होता है, मैं ही हैं कहते मैं ही ये युग युग में आकर के धर्म को रक्षा करता हूँ, संतों में पालन करता हूँ। इसलिए कौन करते हैं, बल भगवान कृष्ण के काम को भगवान कृष्ण करते हैं। इसलिए भगवान जो जगन्नाथ है ये सारे पुरुषों में उत्तम है। इसलिए जो अष्टक है वो अष्टक सिर्फ पुरुषोत्तम का अष्टक है, इसलिए इसी महीना में वो अष्टक गाने का बड़ा पुण्य बड़ा महत्व है। भगवान प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं अष्टक गाने से। ये संस्कृत भाषा में है, हैं इसलिए संस्कृत भाषा में है, गाओ। कदाचित् कालिन्दे तट विपिना संगीत तरलो मुदा विरिनारी वदन कमला स्वाद मधु रम शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश अर्चित फल जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे भुज सिव्य वेणु शिरसि शिखी पिशम कटि तट जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे महाबोध स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसाद सहज वर निर्य परी सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसर जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे कृपा परवार I'm not that.
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री 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 महद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री 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 महद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। ये ग्रंथ का नाम है क्या है? ये प्रभुपाद का उपादेशामृत है। कहते ये प्रभुपाद कौन है? कहते ये राधा रानी की नयनमणि मंजरी है, राधा रानी की एक प्रिय ये सखी है। जब ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में नियुक्त थे, राधा रानी एक तरह से माँ है, ये हमारी माँ है। अगर बच्चे दुख कष्ट पाए माँ भी दुखी होती हैं, इसलिए हमारी दुख को देख कर राधा रानी बड़ी दुखी होती है। मेरे सब संतान और संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, बोले जाओ उनको जा करके बोलो तब तक सुखी नहीं बन सकते हो जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करते हो, और तब तक सुखी नहीं बन सकते जब तक तुम अपना घर में वापस नहीं आते हो, अपना घर में वापस जाओ। उनको ये चीज़ समझा करके मेरे पास उनको ले करके आओ, हैं ले करके आओ, क्योंकि हमारे जो पिता है माता है कौन है? भगवान है पिता माता हमारी, वो अमृत स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप, वो भक्ति स्वरूप है। हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हम पता नहीं हमारे पिता माता कौन है, हमें पता नहीं, हम अपना असली पिता माता को हम भूल गए हैं, हैं। इसलिए पिता माता तो हमारी विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, विश्व ब्रह्मांड का तो हमारा मालिक है। इसलिए उन्होंने एक महापुरुष को भेजा जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तब उनको भेजे जा करके जीव को समझाओ, तुम्हारी ये घर नहीं, ये परिवार नहीं, असली परिवार तो भगवान की परिवार है, असली घर तो ठाकुर का चरण में हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करो और अपना घर में वापस चले चलो। इसलिए उनको भेजे। जब उन्होंने इसी जगत में आए तब उनको अलग अलग समय पर भक्तों लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन किया है, हैं, तो उन्होंने इसका आंसर दिया है। अगर इसके जो आंसर है, अगर इसको अपना जीवन में पालन करेंगे तो हम असली घर में पहुंच जाएंगे, अपना असली घर में, जहां पर जाने पर फिर कभी घर हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब तो यहां पर बहुत आलीशाल मकान बनाए, लेकिन वहां पर कैसे? वो लाइट नहीं, वहां पर मणि, एक एक मणि रख दे तो लाइट होता है। इसलिए वहाँ के धाम चिंतामणि हीरे जवाहरात से दीवार बना हुआ होता है, हैं, मकान जब हीरे जवाहरात से बनी हुई होती है, वृक्ष कल्प वृक्ष है। वहाँ पर कोई कुछ बोलता है ना, लगता है बोलता नहीं, जैसे बड़े सुंदर रूप में कोई भजन गा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर कोई चलता है ना, लगता है नाच रहा है, वहाँ कहीं चलता है लगता है बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है, हैं। इसलिए अद्भुत दिव्य धाम भगवान की धाम है। इसलिए आज एक दो प्रश्न और आंसर सुनेंगे। किसी ने उनको प्रश्न किया, जीव का मंगल कैसे होगा, जीव का मंगल कल्याण कैसे होगा? तो उसका उत्तर देते हैं, बोले भगवत ज्ञान अभाव वशत ही स्वतंत्रता ही जीवर विपन्न करे। इसलिए अभी जो जीव है, जीव का स्वरूप को क्या है, बोले जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को उनका एक भक्त जो सनातन गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी कौन थे, बोले उसी समय नवाब का प्राइम मिनिस्टर थे वो। हम तो नौकरी के लिए कभी कभी रिश्वत देते हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया, नौकरी छोड़ने के लिए उन्होंने रिश्वत दिया। बोले कितना रिश्वत दिया है? बोले 10,000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने घूस दिया, उनको रिश्वत दिया, क्योंकि राजा उनको जेल में बंद कर दिया। कारण क्या? ये चाहता है सब छोड़ करके वृंदावन में आकर प्रभु का भजन करे, वृंदावन में आकर प्रभु की भक्ति करे, वो चाहते हैं। राजा नहीं चाह रहे, क्यों? सारे मंत्री, वो तो प्रधानमंत्री है ना, वो सारे काम तो वही देखता है। बोले अगर ये चला जाएगा तो सर राज्य देखेगा कौन? मतलब कितने बड़े पद को अभी सारा दुनिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने लड़ाई झगड़ा, कितने पार्टी क्या क्या नहीं करते हैं, और उन्होंने वोट पाने के लिए रात रात क्या करते हैं,
मुर्गा की मांस खिला करके एक एक व्यक्ति को हजार हजार 2000 रुपया दे करके वोट खरीद करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, रिश्वत दिया, और थोड़े मोटे पैसा नहीं, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। कारण क्या है? कारण है प्रभु का जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो इतने आनंद उसमें इतने रस है, वो असली रस को पान करना चाह रहे हैं, वो नकली रस छोड़ करके असली रस को वो पान करना चाह रहे, इसलिए रिश्वत दिया है। इसलिए उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने दो क्वेश्चन किया, ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी क्वेश्चन करते हैं। उनका पहला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न है, कोई भी घर में दुख को बुलाते नहीं, कोई घर में दुख को बुला निमंत्रण देते हो, लेकिन ये बिना बुलाए बगैर निमंत्रण के ये घर में ये दुख क्यों आता है, इनका ये दो क्वेश्चन है, हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं कौन हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको पता चलनी चाहिए मैं कौन हूँ। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओ ना, आपको क्या पूछा जाएगा, भैया क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, तुमने CA किया ना, इंजीनियरिंग किया ना, डॉक्टरेट किया। अब जैसे आपने पढ़ाई किया वैसे ही तो नौकरी आपको मिलेगा ना, अब जो पढ़ाई जैसे किया तो नौकरी वैसे मिलेगा। इसलिए सबसे पहले समझनी चाहिए भैया हम कौन हैं, फिर उसको बाद अगर एक डॉक्टर है अगर उसको CA का काम दे दो वो कर सकता है, जो CA किया उसको इंजीनियरिंग काम दे वो कर सकता है, कर ही नहीं सकता, वो तो उसको वो डिग्री है ही नहीं। अभी जो तुम हो अगर उसको वही नौकरी दिया जाए तो वो नौकरी को वो कर सकता है। इसलिए इनका पहला प्रश्न मैं कौन हूँ, पहले ये चीज़ को हमें समझनी चाहिए हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, हम कोई संसार में दुख कोई चाहते नहीं, सब संसार में शांति सुख चाहते हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता, लेकिन ये बगैर निमंत्रण के सब घर में अपने आप आता है। क्यों आता है, देखो क्या उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है, कितना गहरा क्वेश्चन है। देखो इसका उत्तर दिया है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कौन हैं, हम भगवान का ही संतान हैं, इसलिए तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व तुम्हें बंधुस् सखा तुम्हें तुम्हें हम विद्याम द्रविण तुम्हें हम सर्वम। भगवान ही हमारे पिता माता, अगर वही हमारे पिता माता वही हमारा बंधु सब कुछ है तो हमें क्या करनी चाहिए। कहते जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य ही भगवान की संतान हैं, उनकी दास है, पर हम जो है तो वही काम करना पड़ेगा ना, फिर क्या करना पड़ेगा, बोले तो भगवान की सेवा करो। जब तुम्हारी वही पिता माता भाई बंधु है फिर क्या करो, उनको सेवा ही करो। जब तुम वही हो भगवान के बच्चे हो, तुम्हारी कर्तव्य उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, उनका नाम करो। वही जब हमारे पिता माता भाई बंधु तक क्या करनी चाहिए, उनकी तो भक्ति करनी चाहिए ना, हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी भक्ति नहीं करके माया की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, उसको सेवा नहीं करते हैं, उसको सेवा नहीं करके हम और किसी की सेवा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कर तो फिर दुख ही दुख मिलता है, तुमको धोखा ही मिलता है, जगत में धोखा मिलता है, हैं। जैसे कोई एक माता थी, वो रोड में ना मेन रोड में वो 2-3 घंटा से एक चीज़ को ढूंढ रही थी, 2-3 घंटा से कोई चीज़ ढूंढ, एक व्यक्ति ने देखा है तो 2-3 घंटा से ये क्या ढूंढ रही है। तो एक व्यक्ति ने बोला, माता जी क्या ढूंढ रहे हो, 2-3 घंटा हो गया यहीं पर, तू चक्कर लगा रहे हो क्या। बोले बेटा मेरा एक सुई खो गया है। बोले सुई खो गया, बोले हाँ। बोले कहाँ खो गया, बोले घर में खो गया। बोले घर में तो खो गया तो ये रोड में क्यों ढूंढ रहे हो, ये चीज़ अच्छी तरह समझो, कहाँ खोया तुम्हारी, घर में खोया, कहाँ ढूंढ रहे हैं, रोड में, ये चीज़ को समझो। इसलिए हमारी जो गलती हुई है एक जगह पर, लेकिन हम दूसरे जगह पर वो चीज़ को ढूंढ रहे हैं। दुख कष्ट का मूल कारण क्या है, कारण है चूँकि हम भगवान की संतान हैं, उनकी बच्चे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, हम उनकी सेवा नहीं करके माया की सेवा कर रहे हैं। जहाँ तुम्हारी सुई खोया भाई अब वहाँ पर तो ढूंढो। इसलिए पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न क्या था, हम नहीं बुलाने पर भी दुख क्यों आ रहे हैं। देखो उसका आंसर देते हैं, बोले कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तार दे संसार आदि दुख। सारे दुख का जड़ है, क्या जड़ है, भगवान की सेवा भगवान की भक्ति हमने छोड़ दिया, भूल गए,
उनको भूल करके हमने माया को ही अपना लिया, उनको ही पीछे हमने कर दिया, माया को अपना लिया उनको पीछे कर दिया। तुम जो उसको ही तो करो हैं। हनुमान जी कौन है? भगवान राम की भक्त है। अपना दुख दूर किया, सारा दुनिया का दुख दूर कर रहे हैं सारा दुख। तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास हैं, ये सब के सब क्या कर रहे? भगवान की भक्ति की आदत को सारा दुनिया में उनका नाम उजला हो रहा है। खुद का जीवन धन्य किया, सारा दुनिया के जीवन भी धन्य धन्य किया है। इसलिए कहते सारे दुख का जो जड़ है, चूँकि हमने भगवान की भक्ति को छोड़ दिया, छोड़ करके माया की भक्ति करना शुरू कर दिया हैं। सुख कहाँ चाह रहे हैं? ये दुनिया में, ये संसार में सुख चाह रहे हैं। लेकिन जिसने बनाया संसार, वो खुद कहते हैं भैया दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का घर है। तो तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी हैं। जिसने बनाया दुनिया को, वो स्वयं कह रहे हैं ये संसार दुख का घर है, लेकिन हम यहीं सुख का ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं यहीं पर हम। लेकिन जिसने बनाया खुद बोल दिया दुख का घर है, और हम सुख कोशिश कर रहे हैं वही ढूंढने के लिए। लेकिन जो सुख स्वरूप, जो आनंद स्वरूप, जो प्रेम स्वरूप कौन? ये भगवान है, ठाकुर जी है। इसलिए कहते भैया राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर किसको सुख नहीं मिला। इसलिए कहते हम कौन हैं? हम उनके संतान हैं। सारे दुख का जड़ है, हम उनको भूल गए, भूल करके माया में फंस गए, और माया में ही हम संसार, हम सुख वहीं पर ढूंढना चाहते, बोले नहीं हैं। पिता अथाह मालिक है, अथाह संपत्ति का मालिक है, लेकिन हम पिताजी का भूलने का वजह से संसार में आए। अगर बच्चा आकर के एक बार पिताजी को बोल देना एक्सक्यूज मी, बस सारे काम हो गया। पिता क्या चाहता है? बेटा मेरा पास में आ जाए, मेरा इतना अथाह संपत्ति है और मेरे को छोड़ करके संसार में धक्का खा रहा है, दुख कष्ट भोग कर रहा है। पिताजी का हृदय में स्वाभाविक रूप में बच्चों के प्रति स्नेह है कि नहीं? बस बच्चा अगर इतना बोले पिताजी एक्सक्यूज मी, मैंने गलती कर दिया, माफ, चरण पकड़ लो, बस हो गया, सारे संपत्ति का मालिक तू ही हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मंगल कैसे होगा? कहते हम भगवान की भक्ति छोड़कर स्वतंत्रता रूप में क्या कर रहे हैं? हम माया के तरफ में माया की भोग करना चाहते, इसलिए जितने दुख कष्ट है। इसलिए बहिरंगा माया विमुख जीव के विषय विग्रह हाँ करिया तोले भोक्ता अभिमान प्रमत करे। इसलिए अभी क्या हुआ, हम भगवान को भूल करके अपने आप को भी भगवान मानने लग गए। अपने आप को ना हम ही भोग करता है, हम ही सब कुछ है, करने वाला हम ही है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। इसलिए कहते मैं बकरी मैं करता, इसलिए मरता है बकरी मैं करता है ना, करने वाला मैं हूँ, देने वाला मैं हूँ, सुनने वाला मैं हूँ, इसलिए बकरी मैं करता है इसलिए मरता है। इसलिए मैं नहीं करना है। किसकी कृपा से हुई? ठाकुर ने दिया है। किसने दिया? ठाकुर। संपत्ति किसका है? ठाकुर जी दिया। किसने? ठाकुर ने। सब कुछ उन्हीं का है, उनकी कृपा से हमें मिला है। हम एक चौकीदारी है, चौकीदारी होकर क्या करें? ठाकुर जी का संपत्ति को, घर किसका है? भगवान का। पैसा किसने दिया? लक्ष्मी पैसा है ना, लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसका है? ठाकुर जी का है। पत्नी किसकी है? लक्ष्मी, ठाकुर जी का। बच्चे किसके हैं? ठाकुर जी के। दुकान मकान किसका है? ठाकुर जी का। बस हो गया, काम ही बन गया तुम्हारे, जब हम ठाकुर ठाकुर का भगवान के मान लिए। इसलिए यहाँ कह रहे जितने दुख का कारण है, हम ठाकुर जी को छोड़ करके अपने को मैं करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ कहते तखन जे निज स्वरूप रे कथा भूलिया विरूपग्रस्त है माइक अभिमान कष्ट पाए। इसलिए जीव अपना स्वरूप को भूल करके हैं क्या करते हैं? भूल करके ये विषय ग्रस्त हो करके माइक अभिमान में जितना दुख कष्ट को भोग करता है। संसार भ्रमण करते करते जीवर जखन भाग्य क्रमे भगवत कृपाए भक्त संग पाया जखन भगवत सेवाए रुचि बिष्टि सहन तखन सौभाग्यवान जीव भगवत भिन्न आश्रय जातीय वस्तु गुरुपाद पद्म आश्रय ग्रहण करिया सेवा क्रमे भजन राज्य प्रवेश करे। कहते जीव का कल्याण कैसे होगा? कहते हम अनादिकाल से भगवान को भूल चुके हैं, भूल करके ये संसार में हम भटक रहे हैं। 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष्य जोनि में हम भटे, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, हम ऐसे ही हम भटक रहे हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान जी, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में साधु संग मिलता है। हैं
किसी सौभाग्यवान जीव को, कहते ये साधु संग संत संग कब मिलता है, कहते भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहिर अच्युत सत्समागम। तभी जीवन में साधु संग मिलता है, संतों का दर्शन होता है जब संसार का सारे दुख कष्ट खत्म हो गया तुम्हारे, और संसार में दुख कष्ट तुम्हें भोगना नहीं, असली घर में जाने का समय हो गया। जिस घर को छोड़ने का वजह से हम चले आए संसार में, असली घर में जाने का समय हो गया हमारी है, संसार का दुख कष्ट हमारी खत्म हो गई और ये संसार में हमें दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। तभी जीवन में साधु संग मिलता है, तभी संतों का हमें दर्शन मिलता है। जब संतों का दर्शन मिलता फिर वो क्या करता है, फिर अपने आप को समझता है मैं भगवान का सेवक हूँ, उनको भूलने का वजह से दुख कष्ट है, फिर क्या करता है, फिर संत चरण को आश्रय ग्रहण करता है, गुरु जी की चरण को आश्रय ग्रहण करता है। आश्रय ग्रहण करते हुए क्या करता है, फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करता है, भगवान की भजन करना शुरू करता है। फिर जब भजन करना शुरू करता है, बस भजित भजित कृष्ण पाद पद्म पाए, फिर भजन करते करते बस ठाकुर जी की चरण प्राप्त। और जब ठाकुर का चरण मिल जाता है फिर तो भगवान के चरण में कहते अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, कहते भगवान के चरण में तीन चीज है, कितना चीज है, तीन। क्या क्या है, कहते अशोक, अशोक मतलब जहाँ पर कोई दुख कष्ट नहीं, कहीं जहाँ शोक नहीं। दूसरा चीज अभय, अभय मतलब जहाँ पर कोई डर भय है नहीं। और तीसरा चीज अमृत है, जिनका चरण में अमृत, जिनका चरण में ठाकुर चरण में, इसलिए भगवान के चरण में 19 चिन्ह है, कितना चिन्ह है, हर चिन्ह का अलग अलग महत्व है। उनका चरण में स्वस्ति चिन्ह, हम कहते हैं ना ठाकुर का चरण को स्मरण करो दुख दूर हो जाएगा, बोले क्यों, बोले उनका चरण में स्वस्ति की चिन्ह, जो स्वस्ति की चिन्ह है ये मंगलमय है, अगर वो स्वस्ति की चिन्ह को स्मरण करो आपका जीवन का सारे अमंगल खत्म हो जाएगी अपने आप। उनके चरण में जौ है, गेहूं है, बोले उसका स्मरण करो घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में लक्ष्मी आती है। कहते उनका चरण में कमल फूल है, कमल का फूल में खुशबू आता है ना, उसमें खुशबू आता है, देखने में सुंदर है, अगर कमल का स्मरण करोगे तुम्हारे जीवन में भी खुशबू आएगी। उनका चरण में चक्र है, चक्र को स्मरण करोगे जितना तुम्हारी शत्रु सारे शत्रु तुम्हारी विनाश हो जाएंगे हैं, इसलिए उनके चरण में झंडा पताका है, उसको मैं स्मरण करोगे सारा दुनिया में तुम्हारी महिमा, सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगा, हैं सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगा। और उनके चरण में कहते हैं उनका चरण में अंकुश है, जैसे हाथी इतना बड़ा मतवाला हाथी को इतना छोटे से अंकुश से कंट्रोल कर लेते हैं, कहते उसी तरह हमारा मन भी एक मतवाला हाथी इधर उधर भटकता है, जब मन भटके ठाकुर के चरण में जो अंकुश उसका स्मरण करो फिर तुम्हारी मन इधर उधर नहीं भटकेगा हैं। इसलिए कहते उनकी चरण में शंख हैं, शंख बोले शंख को स्मरण करोगे तो बास विजय, तुम्हारी सर्वत्र विजय विजय होगा, तुम्हारा कोई कहीं तुम्हारी परास्त नहीं हो सकता, सर्वत्र तुम्हारी विजय विजय होगी। इसलिए कहते हैं हाँ, कहते उनके चरण में गदा है, गदा को अगर स्मरण करोगे तो क्या होगा, जितने तुम्हारी हैं शत्रु है सब चकनाचूर कर देगा, उनको मार करके उनका चकनाचूर कर देगा हाँ। इसलिए ठाकुर के चरण में सारे सुख ठाकुर का चरण में, सारे आनंद ठाकुर जी की चरण में ही सारे आनंद है। इसलिए क्या करो ठाकुर की, कहते भगवान की भक्ति से ही, कहते जीवन में सुख कैसे मिलेगा, भगवान की भक्ति से ही मिलेगा। और एक प्रश्न उत्तर सुन लेते हैं, किसने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न है कि क्या नाम संकीर्तन ही मुख्य भजन है, हम जो भक्ति कर रहे हैं भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, कहते क्या भगवान का नाम कीर्तन ही जगत में सबसे बड़ा भजन है क्या, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, श्रीमन महाप्रभु ओ गोस्वामी गणेर सिद्धांत अनुसारे श्री नाम कीर्तन ही मुख्य भजन है। कहते जितने हम भजन साधन करते हैं सर्वश्रेष्ठ भजन साधन किया है, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु, हमारे जितना गोस्वामी लोग हुए, हमारा जितना शास्त्र हुआ, सब के सब एक ही बात बताए, कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा, कलिजुग में और कोई साधन नहीं है, इसलिए बोले हरे नाम हरे नाम हरे
नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रहता। मतलब कलयुग में भगवान का नाम को छोड़कर कोई गति नहीं। कहते उसमें तीन तीन बार क्यों बताया, पहला लाइन में भी तीन बार बताया। देखो जो अच्छे तरह समझ लो, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, ये तीन बार क्यों बताया? बोले कारण है, जब किसी बात को हम तीन बार बोल लेते ना पक्का हो जाता है। मतलब है भगवान का नाम से ही तुम्हारी कल्याण होगा और किसी को द्वारा कल्याण नहीं होगा। अगर जीवन में कभी शांति सुख मिलेगा ना, अभी जीवन में कभी शांति सुख मिलेगा तो वो ठाकुर का नाम से ही मिलेगा और किसी को द्वारा नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें राम राम मतलब किया जो आराम दे, कृष्ण मतलब किया चंचल मन को जो भटकने नहीं दे, स्नान मतलब जो शांति दे, राम मतलब जो आराम दे, हरि मतलब सारे दुख कष्ट को जो हर ले, जो सारे दुख कष्ट को हर ले, इसलिए हरि है। इसलिए इसको छोड़ करके और किसी को द्वारा जीव को शांति नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पर उन्हें तीन बार बताया हरि का नाम और हरि का नाम। अंतिम समय भी क्या बोलेंगे, बस राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य वो लगते है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने हरि का नाम लिया ना वही जा रहा है, और जो कुछ किया सब झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे। इसलिए तीन बार दृढ़ता के लिए तीन बार बताया, अगर तुम्हारी कल्याण होगा तो हरि का नाम से ही होगा। फिर दूसरे लाइन में क्या बताया, नहीं 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 नास्ते व एव, मतलब होता है संस्कृत में जब दृढ़ किसी बात को दृढ़ पूर्वक बताते ना तभी ये एव शब्द कहते हैं। इसलिए नहीं नहीं नहीं, अगर प्रभु का नाम छोड़कर और कुछ करोगे तो होने वाला कुछ नहीं, कुछ भी होने वाले नहीं तुम्हारी हैं। इसलिए तीन बार इसलिए बताया, कलयुग में जीव क्या करते हैं इसके बावजूद भी और दूसरे तरफ में भागते हैं, थोड़े ज्ञान थोड़ा कर्म थोड़ा तपस्या थोड़ा ये करना वो करना थोड़ा वो करना। बोले नहीं भैया इसको छोड़कर और कोई गति नहीं, कोई गति और नहीं है, कल्याण है तो किस में है, भगवान की नाम से ही कल्याण होने वाले, और किसको द्वारा कल्याण होने वाले नहीं, प्रभु का नाम से ही। इसलिए बोले भव महादावाग्नि निर्वापनम, संसार का जो दुख है अगर कभी खत्म होगा तो कैसे होगा, भगवान का नाम से ही खत्म होगा और किसी को द्वारा खत्म नहीं होने वाला नहीं। निर्वापन मतलब होता है चिरकाल के लिए सब दुखों को जो मिटा देता है। इसलिए श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, इसलिए उदाहरण दिया हमारे हृदय एक कुमुदिनी पुष्प है, जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर वो फूल खिल जाती है रात में, उसी तरह भगवान का नाम रूपी किरण जब हृदय में पड़ेगा ना, हृदय भी तुम्हारी खिल जाएगी, हृदय भी तुम्हारी खिल जाएगी, आनंद में हृदय भरपूर हो जाएगा हैं। इसलिए नाम को द्वारा ही होगा। इसलिए विद्यावधु जीवनम, यही विद्या की हैं जो जीवन जो है भगवान के नाम। इसका मतलब है हम जो विद्या पढ़े हैं जो लिखे पढ़े सीखा है, लिखा पढ़ा सीखने का तात्पर्य क्या है, बोले भगवान का नाम। अगर इतना लिखा पढ़ा सीख गए लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, सब जीरो है, तब सब के सब तुम्हारी जीरो है। इसलिए भगवान का नाम में ही हमारी रुचि प्रभु का नाम में होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते नाम संकीर्तन भक्त्यांगर मध्य सर्वश्रेष्ठतम, श्रवण कीर्तन आदि नाम संकीर्तन अधीन। कहते जो हम भक्ति का अंग जाजन करते हैं, भगवान कथा सुने कीर्तन भजन जो करते हैं, कहते ये भगवान का नाम क्या है, कहते ये सारे जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं ना, इसके अंदर में सारे भक्ति का अंग हो जाता है। जैसे हमारे गोस्वामी लोग थे, वो तो और कुछ नहीं करते, दिन भर माला लेकर के प्रभु का नाम ही जप करते थे, प्रभु का नाम। इसलिए एक छोटी सी कहानी सुन लो, सब याद रख लेना, आप भी ध्यान दे सुनो भगवान का नाम क्या है। कहते एक समय कोई एक ब्राह्मण था, बेचारा गरीब ब्राह्मण, और काशी विश्वनाथ में रहता था, उसने काशी विश्वनाथ का आराधना किया, कठोर आराधना की। अभी काशी विश्वनाथ खुश हो गए, बोले बेटा क्या चाहते, बोले प्रभु घर में एक बेटी शादी के लायक हो गई, घर में कुछ पैसा है ही नहीं, अगर थोड़ा पैसा हो जाता तो हमें बेटी की हम शादी करा देते। बोले और क्या, बोले इस जगत में मैं देखता हूँ कोई भी जगत में तृप्त नहीं है, भले ही जो कुछ मिल जाए हैं, जो कुछ मिल जाए तृप्त नहीं होते हैं। हम कहते ना कमाई करो, कमाई करो मतलब कम आई ज़्यादा आनी चाहिए, कहते ना कमाई कमाई मतलब कमाई करो, कम आई और ज़्यादा आनी
चाहिए इस जगत में, जितने मिल जाए देखना कोई तृप्त नहीं, और हमें मिलनी चाहिए और हमें मिलनी चाहिए, कोई तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने के बाद जीव उनको ये लगे सब कुछ जीवन में मिल गया है, किसी चीज़ जगत में हमें कोई बाकी नहीं, हृदय में समय हमें उसका हृदय अपने आप पूर्ण लग गया, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं पूरा पूर्ण हूँ, ऐसे कोई चीज़ है आप कृपा करके बताओ। शंकर जी परम वैष्णव है, परम साधु शंकर जी, उनको पता है केवल प्रभु का भक्ति से ही जीव को तृप्त मिलेगा और किसी को द्वारा तृप्त नहीं मिलेगा। इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, लेकिन इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा को चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी। चतुरानन क्या कहते हैं, विष्णु को ज्यादा सुख है, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिनु सब दुख भिखारी। इसलिए कहते हरि भजन के बगैर सब दुखी भिखारी सब कैसे हो गए, इसलिए दुख भिखारी। इसलिए उन्होंने ये चीज को लेकर के बोले बोले एक काम करो वृंदावन चले जाओ, वहाँ पर एक बाबा मिलेंगे जिसका नाम सनातन गोस्वामी, अभी जिनका कथा सुन रहे थे, वो बाबा मिलेंगे उनके पास में सब कुछ तुमको मिल जाएगा। वो चलते चलते काशी से आए और जब आए तब उन्होंने पता लगा यहाँ सनातन बाबा कहाँ रहते हैं, बोले कालियादह के पास में। वहाँ पर जब गए देखा बाबा तो यहाँ तो कपड़ा पहने हुए और उनके पास में कुछ नहीं, एक माला की झोली बस बैठ करके आँखों से आंसू बहाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, केवल प्रभु का नाम और कुछ नहीं। वो तो देख कर के हताश हो गया, बोले ये क्या देगा इसके पास में, खुद के पास में भिखारी फक्कड़ बाबा ये मेरे को क्या देगा, बोले ये यही देंगे। तो उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने आँख खोला तो देखा कि ब्राह्मण देवता, बोले आप क्या सेवा करूँ, बोले मैं काशी विश्वनाथ ने आपके पास में भेजा। बोले काशी विश्वनाथ, क्योंकि शंकर जी को साथ में इनकी बड़ी मित्रता है, सनातन गोस्वामी का बड़ी मित्रता है, बोले उन्होंने भेजा। बोले क्यों, बोले उनसे मैंने दो चीज़ मांगा था, बोले क्या, बोले घर में एक बेटी है उसके शादी के लिए कुछ पैसा, और दूसरे चीज़ मांगा था जगत में इसे क्या वस्तु है जिसको पाने से जीव का हृदय तृप्त हो जाता है, इसलिए आप दो। तब सनातन गोस्वामी बोले देखो मैं जब मंत्री पद में राज मंत्री पद में था मैंने ब्राह्मणों को बड़ा मदद किया है, जिसकी बेटी की शादी हो किसी कोई पुण्य का मैंने बहुत मदद किया है, लेकिन अभी तो मैंने सबको छोड़ छाड़ कर बाबा बन करके आया हूँ, अभी तो मेरे पास में कुछ नहीं है। बोले शंकर जी ने भेजा आपके पास में, बोले आपके पास में ही मिल जाएगा, बोले मैंने पहले सब कुछ किया है, हैं सब कुछ किया, और जब मैंने मंत्री पद को छोड़ करके आया सारे संपत्ति को मैंने लुटा करके मैंने भजन करने के लिए आया हूँ। वो तो हताश हो गया, दुखी होकर के वापस जा रहा था, फिर उनको याद आया शंकर जी ने भेजा, शंकर तो कभी झूठ बोल नहीं सकते, वो तो त्रिकाल दृष्टा है, वो तो कभी झूठ बोलेंगे नहीं, फिर मेरे पास में है क्या चीज़। फिर जब सोचा है ना बड़े देर में याद आया, हाँ मेरे को पारस पत्थर मिला था, स्पर्श मणि जो लोहे को भी सोना बना देती हैं, और उनने कूड़ादान में फेंक दिया था, उनको याद नहीं था, हैं बड़ी देर याद आया तो ब्राह्मण देव, बोले ब्राह्मण देवता आओ इधर आओ इधर आओ, बोले क्या बात है इधर आओ, बोले देखो तो कूड़ादान में मैंने पारस पत्थर मिला था, मैंने वहाँ फेंक रखा था। उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा, कूड़ादान में क्या फेंकते, घर का कचड़ा फेंकते हैं, हाँ फेंकते कचड़ा, लेकिन उन्होंने कूड़ादान में उसको फेंक रखे कचड़े को, हैं कचड़े मान करके। पहले तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कचड़ा को हटाया, देखा सचमुच के पत्थर मिला चमकीले। उनने सुना था ये लोहे को भी सोना बनाता है, हाथ में था कि ताबीज, उनने स्पर्श कराते ही ताबीज हो गया सोना, बड़ा आश्चर्य लगा। बोले बाबा मिला, बोले हाँ मिल गया, बोले जाओ उसको ले जाओ। जब वो ले जा रहे थे ना, लेकिन उनने शंकर जी से फिर एक चीज़ मांगा था, जगत में ऐसे कौन सा चीज़ जिसको पाने से जीव संपूर्ण तृप्त हो जाता है। जब थोड़ी दूर गए ना उसको बुद्धि अपने आप बदल गई, वो सोच रहे हैं इन्होंने कूड़ादान में उसको फेंका था, घर में कूड़ादान में तो कचड़े को फेंकते हैं, मतलब जरूर इनको पास में एक बहुत बड़ी संपत्ति, इससे भी कोई बड़ी संपत्ति इसको पास में है, जिस वजह से उन्होंने कूड़ादान में भी फेंक दिया था। बोले कौन सा ऐसे धन में धनी बने जो कि ये पारस पत्थर को भी कूड़ादान में फेंक दिया, कहते अगर उससे अगर मेरे को थोड़ा मिल जाता है ना मेरे जीवन में धन्य हो जाता, वापस चला आया वहाँ से। बोले बाबा एक प्रश्न करूँ, बोले बताओ ये बंगला में कीर्तन है, बोले
जे धने हैया धनी मनि रे ना मान मणि, मतलब जिस धन में आप धनी मान करके मनि रे ना मान मणि, मणि को भी आपने तुच्छ ज्ञान कर लिया, सही धन देह मरे खानी, मतलब वो धन से मेरे को थोड़ी सी प्रदान करो। सनातन गोस्वामी बोले सचमुच से मांग रहे हो ना ऊपर से मांग रहे हो? बोले नहीं सचमुच से मांग रहा हूँ। बोले अगर वो धन चाहते हो पहले उसको जमुना में फेंक करके आओ और नहा करके आओ, फिर वो धन मिलेगा। फिर उन्होंने उसको सचमुच से विश्वास हो गया, फेंक दिया। जब उनके पास में आए, हम जो माला जब करते हैं ना, बस उन्होंने ऐसे माला पकड़ा, बोले बेटा ये जो भगवान का नाम, ये भगवान का नाम चिंतामणि, जो चिंता करेगा वही मिलेगा। जैसे शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, पंचमुख में हर समय प्रभु का नाम जप करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन। माता देवी क्या करती हैं, आठ हाथ में देखना माला है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनि प्रिय वाणी, जपी जयी प्रिय संग भवानी। ये भवानी शंकर जी का इतना प्रिय क्यों है, कारण क्या, भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए सारा जो दुनिया है, जो देवादेवी हम जिनको पास में कुछ मांगने पर देते हैं, हनुमान जी शंकर जी देवी क्या कोई फैक्ट्री लगा कर रखे हमें दे देते हैं? नहीं, कहते भगवान के नाम के प्रभाव से देते हैं, हैं? इसलिए उन्होंने फेंक करके आए उसको। बाद में कहते अकबर को पता चला, अकबर प्रिय था, बोले क्या पारस मणि फेंक दिया जमुना में? उन्होंने लोहे की जाली बनाया पूरा जमुना को छान बिना, हैं, कहते इतनी कीमती चीज़ फेंक दिया जमुना में, लेकिन उनको मिला नहीं वो चीज़, उनको नहीं मिली है वो चीज़ हैं। फिर कहते इसलिए भगवान का जो नाम, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का जो नाम है ये चिंतामणि है, ये पारस पत्थर से भी ज़्यादा महत्व भगवान के नाम की महत्व है, इससे बड़ा संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए क्या करो, इसलिए सवेरे उठ करके पहले अपना भजन कर लो, असली धन को पहले कमाओ, हैं, असली धन को पहले कमा करके पूरा ये जो धन है ना, इसको कोई नहीं ले सकते। बेटा कमाएगा तो पिता नहीं लेगा, पिता कमाएगा तो बेटा नहीं लेगा, हैं, इसलिए माँ कमाएगा तो पति नहीं लेगा, कहते पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकती। ये धन को जो कमाएगा वही केवल मालिक बनेगा, और इस जीवन में तो मालिक ही बनोगे और अगली जीवन में तो पूरा की पूरा ब्याज समेत मिलेगा, ब्याज समेत तुमको ये धन मिलेगी, लेकिन यहाँ की धन यहीं रह जाएगी, यहाँ के धन साथ में नहीं जाने वाले। इसलिए क्या करो, हाथ में जो कुछ करो तो सेवा मान कर करो ठाकुर की, और मुंह में ठाकुर जी की नाम लेते रहो, और घर में थोड़ी समय निकालो माला लेकर क्या करो, भगवान की नाम जप करो भगवान की। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं ना मेरे कृपा ना है लीला स्फूर्ति है ना, कीर्तन छाड़िया प्रत्यय भाग्य स्मरणाती चेष्टा जड़ प्रतिष्ठा मात्र। इसलिए कहते जो भगवान का नाम करते 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 हृदय में ठाकुर का सारे लीला हृदय में दर्शन करने को मिलेगा। इसलिए भगवान का नाम को छोड़ करके कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कहते हम लीला स्मरण करके, बोले नहीं, भगवान के नाम जप करने पर हृदय जब पवित्र हो जाएगा अपने आप भगवान का नाम रूप गुण लीला हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए मानुष्य कल्पित रचित छड़ा नाम कीर्तन न है। इसलिए अभी क्या क्या लोग कुछ करते हैं, जो शास्त्र में जो नाम बताया गया, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभी कुछ लोग क्या करते उस नाम को छोड़ करके और इधर उधर का नाम करना शुरू कर देते, बोले नहीं, शास्त्र में जो नाम लिखा हुआ भगवान ने जो नाम लिया है, हैं, इसलिए वह नाम को जप करो, हैं। इसलिए कहते वहा नाम अपराध कीर्तन, वहा कृष्ण इंद्रिय तर्पण अथवा भजन नामे भोग बा अपराध। इसलिए जो भगवत नाम को छोड़ करके जो रचित जो नाम लेते हैं उसको द्वारा जीव का कल्याण नहीं, वो अपराध, एक तरह का अपराध है। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने, हैं, जो श्रेष्ठ जो भजन का आदर्श दिखाया महाप्रभु ने, वह आदर्श को अपना जीवन में उतारते हुए साधु संघ में भगवान का नाम कीर्तन करो। सही स्वयं प्रकाश नामामृत सेवन मुख एकटी इंद्रिय रे आविर्भूत हुआ सु मधुर रसे समग्र इंद्रिय ग्राम प्लावित करिया था कि जब धीरे 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 नाम करेंगे, देखो अच्छे तरह सुनो, जैसे भगवान का नाम में हमारे कभी रुचि नहीं होता है, रुचि नहीं होता है, इसलिए दूसरे चीज में तो रुचि, अगर इधर उधर कोई बात करो चुगली करो कान खड़ा हो जाएगा, और उससे तो बढ़िया स्वाद जगत में कुछ है नहीं, चुगली किसका करो ना, घंटा घंटा तुम्हारी बीत जाएगी,
हैं, घंटा घंटा, उसमें समय पता नहीं चलेगा। और वो सब जीवा के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है वही, उससे बड़ा स्वाद जगत में कुछ नहीं। लेकिन भगवान के नाम जो बोले करने के लिए ना नींद आ जाती है, रुचि नहीं होता है। लेकिन इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जैसे मिश्री, मिश्री खाए कि नहीं, मिश्री मीठा है लेकिन किसी किसी को कड़वा लगता है। किसको? जिसको जंडिस का बीमारी, पीलिया की रोग हो जाए, उसको भगवान, उसको मिश्री मीठा नहीं लगता, लेकिन डॉक्टर पहले क्या बोलते थे, मिश्री चूसा करो, मिश्री चूसते चूसते ही तुम्हारा जंडिस जाएगा, पहले तो कड़वा लगेगा, लेकिन अभी तुमको बीमारी भवरोग का बीमारी हुआ है, इसलिए भगवान का नाम तो मीठा नहीं लगता है, इधर तुम्हारी बीमारी पीलिया खत्म होती जाएगी। जब मिश्री मीठा लगने लग जाए ना, फिर मिश्री नहीं छूटती है, छूटती है। उसी तरह भगवान का नाम सबसे ज्यादा मीठा, प्रभु का नाम, इससे मीठा कुछ नहीं। प्रभु का नाम क्यों? अपराध की वजह से भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। क्या करो? मन नहीं लगने पर भी माला लो, हरि नाम करे, सारे पाप धीरे धीरे धीरे, वाल्मीकि दशरथ ना करो, जिसको बोले राम बोलो वो राम नहीं बोल पाया, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ तो मार सकता है। भगवान का नाम, हाँ, इसलिए वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, समझ रहे हो? इसलिए लेते लेते दशरथ ना कर वाल्मीकि बन गया। भगवान राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिखी, इसलिए उदाहरण देते हैं। खेत में कोई बीज लगाए कि नहीं, देखना खेत में जो गेहूँ ऐसे लेकर जमीन में फेंक देते हैं, गेहूँ को फेंक देते हैं, देखे होंगे। लेकिन वो बीज उल्टा बड़े नहीं थे, सुलटा बड़े, लेकिन जब होता है ना वो सीधा होता है, भले ही उल्टा सुलटा बड़े लेकिन होगा सीधा। कहते उसी तरह भगवान का नाम किसी तरह भी लोगे, कल्याण कल्याण है। इसलिए प्रभुपाद कहते जब प्रभु का नाम लोगे फिर तो हृदय में फिर प्रेम रस की जो धारा बहेगी तुम्हारे हृदय में, सारे इंद्रियों को ये तृप्त कर देगा, तृप्त हृदय को तृप्त कर देगा। इसलिए भगवान गौरांग देव ऐसी सिद्धांत कीर्तन करिया छे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बोले, क्या बोले? भजन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराध नाम लैले पाए प्रबंधन। इसका मतलब है कितना भजन साधन कर रहे हैं उसमें जो नौ तरह का भक्ति, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्यात्मन, उसमें ये पांच जो नौ तरह का भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वो जो क्या करता है, बोले भगवान को ये भक्ति दे सकता है, लेकिन उसका अंदर में भी जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान का नाम कीर्तन। अगर निरअपराध को द्वारा अगर प्रभु का नाम लेंगे तो एक दिन ये नाम क्या करेगा, हमें ठाकुर का दर्शन दिलाएगा, कृष्ण चरण में प्रेम और जीवन में परम शांति कैसे मिलेगा, भगवान की नाम से मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जो कुछ करो, चलते फिरते चलते जाओ, भगवान का नाम लेते लेते जाओ, ठाकुर का, घर में काम कर रहे हो भगवान की नाम लेते हुए सेवा करो, ठीक है ना। सब कुछ भगवान के नाम लेकर करोगे सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, ठीक है की। जय बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगंधर विकागिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की हितलीला प्रवेशल भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। हितलीला प्रवेशल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। हितलीला प्रवेश भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। हितलीला प्रवेश भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। गिरिराज महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशन करने सदैव की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। प्लस श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखा तुम्हारी घर में रोज